अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस कोर्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस कोर्स में बैकलिंक्स के रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स, जो भी चीजें पेड कोर्स में करवाई जाती है वो तमाम तर चीजें इस कोर्स में इंक्लूड की गई हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है एज अ बिगनर, तो डोंट वरी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है कि अगर आप कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट नए तरीके से या पहली दफा सीख रहे होते हैं तो आपको उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकता है। और इस कोर्स की खासियत यह है कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप लोगों को फौरन रिप्लाई मिलेगा और आपको बिल्कुल बिगिनर के तौर पे ही गाइड किया जाएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी लैंग्वेज, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ईजी वर्डिंग में दी गई हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी अगर बिगिनर है तो उसको कोई भी परेशानी ना हो बैकलिंक्स को सीखते हुए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि इसमें तमाम तर चीज़ें एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं ऑन स्क्रीन। आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाई गई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो चीज़ें ढूंढने में, चीज़ें करने में, और हर चीज़ आप ऑन स्क्रीन एक्शनेबल स्टेप्स के साथ देख सकें। एंड वन मोर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस बैकलिंक्स के स्किल को सीखने के बाद, अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट पर्सनल नहीं भी है, तब भी आप इस स्किल से ही अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि ऐसे प्रोफेशनल बैकलिंक्स बिल्डर ढूंढते हैं जो कि उनको डू फॉलो या नो फॉलो लिंक्स के लिए बिल्ड करके, खास तौर पे डू फॉलो लिंक्स को बिल्ड करके दे सके। तो सब चीज़ें इसी कोर्स में गाइड की जाएंगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को सेव कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि बैकलिंक्स की स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है। अनदर ग्रेट थिंग इज कि आपको तमाम तर सेक्शंस जो हैं वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ बोली गई है, आप लोग उसी चीज़ पर जाके जम करके वही पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि आप लोगों ने इसको लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। और इसी तरह का मजीद कॉन्टेंट लेने के लिए या फिर क्रैश कोर्सेज लेने के लिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जितने ज़्यादा रिप्लाई जिस कोर्स के ऊपर आएंगे, नेक्स्ट क्रैश कोर्स उसी के ऊपर बनेगा। और पेड कोर्स में जो करवाई जाती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जाएंगी। इस वीडियो में जो चीज़ें इंक्लूड हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि बैकलिंक्स होते क्या हैं, एंड ऑफकोर्स डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कौन से भारी भरकम अल्फाज हैं, बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाया जाएगा, जिसके बाद आप कभी भूल ही नहीं सकते। फिर आपको बताया जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आप डू फॉलो लिंक्स स्पेशली कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट से बना सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर जो भी टूल्स यूज़ किए गए हैं बैकलिंक्स के लिए, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तमाम तर टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूज़ करवाए जाएंगे। सो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर देखते हैं कि व्हाट आर बैकलिंक्स, बैकलिंक्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो कोई भी भारी भरकम इसकी डेफिनेशन नहीं है, ओनली द थिंग इज कि आपको किसी भी साइट के ऊपर जब कोई ऐसा लिंक नज़र आता है जहां पर क्लिक करने से आप किसी और साइट के ऊपर जंप कर लेते हैं, तो विच मीन्स कि जिस साइट के ऊपर आप जा रहे हैं उसका बैकलिंक क्रिएट हुआ है पहली वाली साइट पर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरी साइट के ऊपर आप लोगों ने अपना एक ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है और उस ब्लॉग के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो जो भी ऑडियंस मेरी साइट के ऊपर आ रही है वो जंप करेगी उसके ऊपर क्लिक करने पर, कहाँ जाएगी, मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर चली जाएगी। दिस इज सिंपल। अब बात करते हैं कि बैकलिंक्स तो हमें समझ आ गया है क्या, अब ये डू फॉलो और नो फॉलो क्या चीज़ होती है, इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही इसी के ऊपर क्रिएट होती है। अब इसको सिंपल वर्डिंग में करते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी आपकी और मेरी वेबसाइट की, तो लगा लें कि आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी खासी रैंक हुई है और मेरी वेबसाइट अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश करने दें और उस आर्टिकल पर मैं अपनी वेबसाइट का एक लिंक पेस्ट करूँगी, जहाँ से क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है वो मैं अपनी वेबसाइट पर लेके आ सकती हूँ, राइट। अब आपकी जो ऑडियंस है अगर वो मेरी वेबसाइट पे आ रही है तो उससे होगा मेरी वेबसाइट को फ़ायदा और मेरी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। कैसे बिल्ड होती है अथॉरिटी, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंस आ जाती है कि बैकलिंक्स की इम्पॉर्टेंस का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मेरी वेबसाइट बिल्कुल नई है और आपकी वेबसाइट पुरानी है, आपने अथॉरिटी एक बिल्ड की हुई है, गूगल आपको जानता है। जब आपकी ऑडियंस आपकी साइट को छोड़ के मेरी साइट पे आ रही है तो गूगल को क्या अंदाज़ा होगा कि एक अच्छी चली चलाई साइट से जब ऑडियंस उठकर एक न्यू साइट के ऊपर जा रही है और वहाँ जाके आर्टिकल रीड कर रही है, विच मीन्स कि ये जो नई साइट है इसमें कोई ना कोई बात तो है जो कि
ऑडियंस को एक चली चलाई साइट से लेके आके एक न्यू साइट पर रीड करने पर मजबूर कर रही है, राइट? अब इससे क्या होगा, मेरी अथॉरिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, मेरी नई साइट जो है वो गूगल को पसंद आनी शुरू हो जाएगी और वो उसको क्रॉल करना शुरू कर देगा। अब दो चीज आती है पुरानी साइट से नई साइट पर, एक तो ऑडियंस तो आ ही रही है, अब गूगल क्रॉलर भी आ रहा है, ठीक है? गूगल क्रॉलर क्या है, बेसिकली वो क्रॉल करते हुए मेरी साइट पर आता है और उसी तरह से पता चलता है गूगल को कि ये साइट जो है वो वाकई में अच्छी है, नई है, लेकिन यूजर आ रहे हैं, अब इसको जो है वो प्रमोट हमें करना चाहिए। अब यहाँ से आप एक अंदाजा लगाएं कि जब आपकी ऑडियंस और क्रॉलर दोनों ही मेरी वेबसाइट नई वेबसाइट पर आएंगे तो उसको कहेंगे डू फॉलो लिंक्स, यानी गूगल को भी पता चल रहा है कि ये नई साइट है और यूजर जो है वो पुरानी साइट से नई साइट पर आ रहे हैं, चली चलाई साइट से नई साइट पर आ रहे हैं और आर्टिकल रीड कर रहे हैं। नो फॉलो लिंक्स में क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो चली चलाई बहुत बेहतरीन साइट है अथॉरिटी वाली, वहां से ऑडियंस जो है वो मेरी साइट पे आ रही है, आर्टिकल रीड कर रही है, बट गूगल क्रॉलर वहां से आपकी साइट से मेरी साइट पर नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको नो फॉलो लिंक्स कहा हुआ है। क्यों कहा हुआ है नो फॉलो लिंक्स, क्योंकि आपको भी तो इसका फायदा नहीं हो रहा। बेसिकली जब भी साइट कोई चली चलाई साइट है वहां से ऑडियंस जो है और गूगल क्रॉलर किसी और न्यू साइट के ऊपर जा रहा है जो कि अभी चली नहीं है या फिर उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उसकी अथॉरिटी इतनी नहीं है, तो गूगल के ऊपर सम हाउ थोड़ा सा बुरा इंप्रेशन तो पड़ेगा ना आपकी साइट के रिलेटेड कि भाई आपकी साइट तो इतनी पुरानी है या उसकी अथॉरिटी है, लोग और क्रॉलर उसको छोड़ के एक नई साइट के ऊपर क्यों जा रहे हैं। दैट्स द पॉइंट कि आप मुझे क्यों परमिशन देंगे कि मैं आपको डू फॉलो लिंक्स बिल्ड करने की परमिशन दे दूं आपकी साइट के ऊपर, क्योंकि आपकी अथॉरिटी जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा इंप्रेशन जो गूगल क्रॉलर को बुरा जा सकता है, राइट? तो इसीलिए डू फॉलो लिंक्स जहाँ तक न्यू साइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं गूगल को प्रूव करने के लिए कि भाई हमारे पास भी एक चीज़ है जो कि रैंक हो सकती है, वहीं पर एक चली चलाई साइट के लिए थोड़ा सा नुकसान भी दे सकते हैं। इसीलिए डू फॉलो लिंक्स जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं और एक नई साइट के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नो फॉलो लिंक्स तो आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं और स्पैम लिंक्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपने स्पैम लिंक्स या नो फॉलो लिंक्स के ऊपर तवज्जो देने की बजाय डू फॉलो लिंक्स बिल्ड करने के ऊपर कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा आप एक नई वेबसाइट के लिए डू फॉलो लिंक्स बना सकते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो न्यू वेबसाइट की बिल्ड होना शुरू हो जाती है। समहाउ आपको आइडिया हो गया होगा कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा टफ सिचुएशन के अंदर हम लोग डू फॉलो लिंक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए डू फॉलो लिंक्स की अहमियत भी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको डू फॉलो लिंक्स बनाने आ गए हैं तो बिलीव मी कि आपको मैं भी हायर करने में एक सेकेंड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी वेबसाइट जो भी नई होगी उसके लिए डू फॉलो लिंक्स बनाने वाला पर्सन चाहिए होगा। आप डू फॉलो लिंक्स बनाना सीख लें। एक नई वेबसाइट अगर आपकी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या करना है कि अगर 100% आपकी वेबसाइट है उसके अंदर से आपने 30% नो फॉलो लिंक बनाने हैं और 70% आप लोगों ने डू फॉलो लिंक्स जनरेट करने हैं। अगर आपको एक अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट के साथ 70% डू फॉलो लिंक्स मिल जाते हैं तो आपकी वेबसाइट को रैंक होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि हमें डू फॉलो लिंक्स मिलेंगे कैसे और कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं डू फॉलो लिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए, राइट? तो इसके लिए हमें जंप ऑन करना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स देखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोगों ने किस तरह से डू फॉलो लिंक्स ढूंढने हैं या फाइंड आउट करने हैं। तो इससे पहले आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की, राइट? हमारे पास कुछ टूल्स तो होने चाहिए डू फॉलो लिंक्स को ढूंढने के लिए। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, और डोंट वरी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जितने भी आप लोगों को टूल्स में बता रही हूँ। तो नंबर वन पे जो टूल मैं यूज़ करती हूँ वो है एक एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन से होता क्या है, आपको किसी भी डोमेन किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी पता चल जाती है कि इससे हमने बैक लिंक जनरेट करना भी है या नहीं। उसका नाम क्या है आपके पास, ये मोज एक्सटेंशन है, ठीक है? इसको आप लोगों ने क्या करना है, गूगल सर्च पर जाके यहाँ पर सर्च करना है, पहले वाले लिंक पे ही आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड मोज बार के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपने यहाँ पर आके अपना पहले लॉगिन अकाउंट कर लेना है, उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। मैं बताती हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा ईजी कीवर्ड देखते हैं। अब ये कीवर्ड मैंने कहाँ से निकाला है, बहुत ही ईजी कीवर्ड के ऊपर मैं काम कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की सेंस है कि ये कीवर्ड कैसा है। कोई भी अनोखी नीश के ऊपर मैं काम नहीं कर रही हूँ,
ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करने के लिए मिले कि हमारी नीश के ऊपर अगर काम करते तो आसानी हो जाती। अब ये नीश सबको पता है और इसी तरह से आप लोगों ने अपनी नीश का एक कीवर्ड जो है वो ढूंढ लेना है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं या जिसके ऊपर आप लोग बैक लिंक्स बनाना चाहते हैं, जो आर्टिकल आप लोग लिखना चाहते हैं। अब कैसे आप लोग कीवर्ड ढूंढोगे उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ऊपर सजेस्ट को बाय कर लें, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास है तो वो चलेगा, सेमरेश वगैरह या कोई भी आपके पास है तो आप लोग उससे कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऊपर सजेस्ट के ऊपर सर्चिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को ऊपर सजेस्ट जो है वो लेस प्राइजेस में चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए या फिर दी हुई जी मेल एड्रेस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सस्ते प्राइजेस में दे दूंगी। क्योंकि आप लोगों की सर्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा टूल होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैं क्यों आपको कह रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं सेल आउट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑनेस्टली किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग मंथली ऊबर सजेस्ट को बाय करते हैं तो पाकिस्तानी इतने रुपीज़ में आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोगों को ईजीली तकरीबन इतनी रेंज में अगर आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कर रही हूँ तो कि आप पूरा महीना इसको यूज़ कर सकते हो इजीली, और महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से काम करें तो आपको इतने पैसों के अंदर एक पूरी स्किल मिल जाती है, राइट। तो आपको और क्या चाहिए। अब ये चीज़ कोई भी किसी किस्म का सेल आउट नहीं कर रही हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। अगर आप लोग ले लेते हैं तो आपका ही फ़ायदा होगा, आप लोग अपनी स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, और मैंने बहुत कोशिश करने के बाद ये प्राइजेस आप लोगों के लिए मेंटेन की हैं। अच्छा, मैं ऑन एयर बोल इसलिए नहीं हूँ, कोई कॉन्फिडेंशियल इश्यूज होते हैं तो इस वजह से आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर ऊबर सजेस्ट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये मेक मनी ऑनलाइन टूडे फिलहाल के लिए निकाला हुआ है। तो पाकिस्तान में इसका जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, वो 20 पर है। एसईओ डिफिकल्टी इसकी ईजी है और यहाँ पर आपको इसका सीपीसी रेट भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। रैंक डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, व्यू ऑल कीवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि आप इतनी प्राइस के अंदर बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सारा ये पेड वाला सिस्टम है, कोई भी आपको इसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन करते हैं, इसके ऊपर जो ये ग्रीन साइंस होते हैं ना, तो ये सारे कीवर्ड वो होते हैं जिनकी एसईओ डिफ़िकल्टी लो है और इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी ये देखने के लिए आपको मिल जाता है कि सर्च वॉल्यूम इसके ऊपर कितना है। बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा ये काम किया है सबसे ज़्यादा आसान कीवर्ड निकाल के, ताकि आपको बैकलिंक्स बनाना, जो मेन चीज़ है बैकलिंक्स बनाना सिखाया जा सके। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बैकलिंक्स ये मैंने सर्च किया, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मोज, ये जो मैंने एक्सटेंशन ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये जो डाउनलोड अभी करवाई है, इस टूल का काम क्या होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें और आप देखना चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट है डॉलर स्प्राउट के नाम से, इसको क्लिक करें तो ये इस कीवर्ड के ऊपर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी डीए है यानी डोमेन अथॉरिटी है और पीए है, वो क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको टॉप पर ये नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 56 है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, और इसकी जो पीए अथॉरिटी है वो भी 52 है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी अगर आप किसी भी साइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने जा रहे हैं तो उसकी डोमेन अथॉरिटी यानी कि उसकी वैल्यू, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन भी आपकी डोमेन अथॉरिटी बिटवीन 60 से लेकर अगर 70 है किसी भी वेबसाइट की, तो वो रेटेड एज गुड होती है और उसके ऊपर आप लोग जो है वो बैकलिंक्स बनवाने का सोच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सोचती हूँ कि मैंने जो है वो मेक मनी ऑनलाइन टूडे के ऊपर जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर इसकी डू फॉलो लिंक बनाना चाह रही हूँ, राइट, क्योंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी और इसकी पीए जो है वो अच्छी है। अच्छा, इस मोज एक्सटेंशन या टूल में एक और खासियत होती है कि ये आपको स्पैम स्कोर भी बताता है, 1% इसका स्पैम स्कोर है। अगर किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर आपका ज़्यादा हो तो आपने उसके ऊपर डू फॉलो लिंक नहीं बनाना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसने जितनी भी लिंक बिल्डिंग की होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है वो उसकी ऑथेंटिक नहीं होती है। उसने अपने लिए मिसाल के तौर पर एक आपने वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर आपने पेड प्रमोशन करके या फिर पेड आपने खरीद लिए हैं इतने लिंक्स, और उसका एक्चुअल में उतने व्यूज़ आपकी वेबसाइट पे नहीं है, उतनी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे नहीं है, तो वहाँ पे डू फॉलो लिंक बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑडियंस दिखाने की है, लेके आने की नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर आ ही नहीं रही है, वो वेबसाइट ही आपकी स्पैम है जहाँ से आपने डू फॉलो लिंक बनाया हुआ है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो सकती है कि आपने इतने डू फॉलो लिंक तो बना लिए हैं लेकिन वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक तो लैंड नहीं हो रही, तो इस चीज़ को आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है।
अच्छा इस टूल में जो है वो रफली आइडिया दिया जाता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है। जितनी ज़्यादा आप इसमें सर्च करते रहोगे, इस फील्ड के अंदर घुस जाओगे, तो आपको आइडिया होता जाएगा फिर ज़्यादा, कि आपको देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेबसाइट किस कदर ऑथेंटिक है। पर हर ये फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है तो हम इसको कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हमने लेट्स सपोज इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल अपना डू फॉलो लिंक के लिए बनाना है। कैसे हमें पता चल गया? डी और पी ए इसकी देख के, बाय मोज एक्सटेंशन जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की है। अब कैसे वाले पॉइंट पर जाने से पहले दूसरे जो टूल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। सेकेंड, हमारे पास भी एक एक्सटेंशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने वो क्या करनी है, सिमिलर वेब की एक्सटेंशन है, आपने ब्राउजर एक्सटेंशन पर जाके फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक करने से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे? यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी हुई थी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और बाद में आपने यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी बॉल सा साइन है इसका, सिमिलर वेब का। यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन वाली जगह पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। मेरी यहाँ पर सामने क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है पिन अप। पिन कैसे करते हैं, ये देखें ब्लू करना है। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये नहीं नज़र आएगी, और अगर इसको ब्लू कर दूंगी तो ये ऊपर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो हमने ये काम कर लेना है इसका। ये कैसे काम करती है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट को खोला हुआ है, और इसको खोलने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिमिलर वेब के बटन पर क्लिक कर दूंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर डू फॉलो लिंक बनाना चाह रहे हैं उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कहाँ की आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में से कितनी ट्रैफिक आ रही है, ग्लोबल रैंक की बात करें तो कहाँ पर कर रही है, और कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तो 293 पर, कैटेगरी यानी कि मेक मनी ऑनलाइन की जो कैटेगरी है उसके अंदर 293 पर रैंक कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस वेबसाइट, आप इस सिमिलर वेब से आइडिया ले सकते हैं कि जो भी वेबसाइट पर आप अपना डू फॉलो लिंक बना रहे हैं वहाँ पर जो ऑडियंस है वो आपके काम की है भी या नहीं, ठीक है? तो अगर आपके काम की होगी तभी तो आपको फ़ायदा होगा। आपके अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप जिस वेबसाइट के ऊपर डू फॉलो लिंक बना रहे हैं वहाँ पर ऑडियंस भी यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है, तो आप उससे डू फॉलो लिंक पर बना लोगे। तो यहाँ पर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूसरी भी मिलती है जो कि आप लोग गो थ्रू से कर सकते हैं। ये हो गया सिमिलर वेब टूल जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था उसका काम, दोनों फ्री हैं। ओके, तो अनदर थिंग आपके पास होना चाहिए एक एक्सेल या फिर वर्ड। वहाँ पर क्या करोगे, आपके पास जितनी भी डू फॉलो लिंक्स की वेबसाइट मिल रही हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सारी डिटेल्स आप लोग मेंशन कर लोगे, सेव कर लोगे फॉर इन द फ्यूचर भी, ताकि आप लोग बार बार ढूंढने का जो हार्डवर्क है उससे बच सके। और आपको पता हो कि अगर मैं ये नीच पे काम कर रहा हूँ या मेक मनी ऑनलाइन या फिर टेक की कैटेगरी में काम कर रहा हूँ तो दीज आर द फॉलोइंग वेबसाइट्स जहाँ से मैं डू फॉलो लिंक्स बना सकता हूँ, ठीक है? तो उनकी तमाम तरह चीज़ें आपके पास सेव होगी, आप वो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? अपनी स्किल जब भी आप सेल कर रहे हो तो ये चीज़ें भी आप लोग सेल आउट कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डू फॉलो लिंक्स बनाने का। कैसे अप्लाई करना है मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें कवर होनी है, स्टेप बाय स्टेप तो बने रहिए इसी के साथ, तो आप एक तसलसल के साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। टूल्स जहाँ पर हमें चाहिए हुए थे, सब टूल्स की बात जो है वो क्लियर हो गई है। 3-4 टूल्स हैं वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं, हर चीज़ का काम कैसे चल रहा है वो भी बता दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है डू फॉलो लिंक्स को, कैसे हम लोगों ने देखना है कि डू फॉलो लिंक्स वाली जो वेबसाइट है वो हमें परमिशन दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर। तो नंबर वन पे जो तरीका होता है डू फॉलो लिंक बनाने का वो होता है गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, गेस्ट से अंदाज़ा लगा लें, एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी। आप किसी के घर पर गेस्ट बन के गए हैं और वहाँ पर मौजूद हैं उसके फ्रेंड्स, राइट? अब आपके पास है कोई चीज़ें, लगा लो कैंडीज। अब आपने अपनी कैंडीज उन वहाँ पर मौजूद जो फ्रेंड्स हैं जहाँ पर आपको गेस्ट बना के बुलाया गया है वहाँ पर मौजूद जो फ्रेंड्स हैं आपने उनको दे दी हैं। अब इन द फ्यूचर जब उनको पसंद आई होगी तो वो फिर से आपसे पूछेंगे या आपके पास आएंगे कि आपने ये जो चीज़ मुझे खिलाई थी ये बड़ी मज़े की थी, मुझे दोबारा से खानी है या मुझे दोबारा से लेनी है, राइट? अब इसी तरह से सिमिलरली किसी और की वेबसाइट है, आप वहाँ पर बन के गए हैं गेस्ट, वहाँ पर आपने दी है अपनी कैंडीज लाइक कंटेंट। अब कंटेंट जो आपने वहाँ पर दिया है वहाँ पर मौजूद ऑडियंस को बड़ा पसंद आया है और वहाँ से फिर ऑडियंस आपके पास आएंगी। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट की जो गेस्ट पोस्टिंग है वो दूसरे की वेबसाइट पर कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपने किसी दूसरी की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेंट देने के लिए या किसी के घर गेस्ट जाने के लिए आपका नेचर या आपका बिहेवियर या आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी फ्रेंडशिप स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल थी जो मैंने आपको कहा है कि आपके पास होनी चाहिए।
अब प्रैक्टिकल स्किल देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए नंबर वन पे तो आपके पास सिमिलर वैसे ही कीवर्ड होना चाहिए जो कि आपने यहाँ पर कर दिया है टाइप। अब इसके बाद आ गई हैं कुछ नीचे वेबसाइट्स जो कि नंबर वन पे रैंक कर रही हैं। अब आपने यहाँ पर देखा है कि रेडिट भी है, अब यहाँ पर रेडिट पे भी आप लोग जाके तो सिंपल कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं अपना अकाउंट बना के, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है उसका तरीका आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो इस चीज़ पे नहीं चाहते हम लोग, स्पेशली डू फॉलो लिंक बनाते हैं किसी भी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर, लगा लें कि डॉलर स्प्राउट का ही हमने आज सर खाना है और इसी के ऊपर हमने काम करना है, राइट। तो हमने डॉलर स्प्राउट को ही ओपन कर लिया है और अगेन हमने चेक कर ली है मोज टूल को यूज़ करते हुए, इसकी DAP है, इसकी 56 थी, 52 थी। अब आपने इसके ऑनर से बात करनी है कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो मुझे परमिशन दी जाए डू फॉलो लिंक बिल्ड करने की। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है कि आपने उनको ईमेल कैसे करनी है। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट पे आ जाना किसी भी वेबसाइट के ऊपर जिसके ऊपर आप डू फॉलो लिंक बनाना चाहते हैं। अब वहाँ पर आपने देखना है पहले नंबर पे तो कि वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग का कोई टाइटल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर नज़र, वहाँ पर अगर आ रहा है तो विच मीन्स वो पहले से ही गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करते हैं और आप उनसे बात करके वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना लिंक, अपना जो आर्टिकल है वो वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस ऑफ नहीं आ रहा, जैसा कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इसकी ईमेल भी नज़र आ जाएगी और पार्टनरशिप के लिए आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जहाँ पर आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने इनको ईमेल में लिखना क्या है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी आपको एक पूरा फॉर्मेट दे दूंगी जिसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए ध्यान जिस चीज़ के ऊपर आपने देना है कि इनको आपने ईमेल सेंड कर देनी है और ईमेल के ऊपर इनको रिक्वेस्ट करनी है वो आपको अलाउ कर दें डू फॉलो लिंक बनाने का, यानी कि आपकी उनकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखने का विद द डू फॉलो लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी आपको फर्स्ट पेज के ऊपर वेबसाइट्स नज़र आने वाली हैं वो सारी वेबसाइट्स को अगर आप लोग ईमेल करते हो और वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आपको फेस करने के लिए मिलेगी उनकी प्राइजेस। वहाँ पर प्राइजेस आपको बहुत ज़्यादा हाई देंगे, वो परमिशन तो दे देंगे, जैसे कि मेरी वेबसाइट है लेट्स पोस्ट और वो बहुत ज़्यादा रैंक कर चुकी है और आप चाहते हैं कि आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख लें विद द डू फॉलो लिंक। अब आपको मैं कहूँगी कि ठीक है लिख लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को इतनी सच अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब वो अमाउंट या तो बहुत ज़्यादा होगी, आप लोग नहीं पे करना चाहते होंगे, या आप जहरी बात है बिगनर हैं तो आपके पास इतना बजट ही नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, तो आपने फोकस करना है फ्री डू फॉलो बैक लिंक्स बनाने का, फ्री गेस्ट पोस्टिंग करने का। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने बैठ जाना है, अपनी नीच पर रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि फ्री गेस्ट पोस्टिंग की ऑफर देती हैं। जैसे कि 3 की लिस्ट तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ और 3 की लिस्ट यहाँ पर मेंशन जो मैंने की है यहाँ पर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं। मजीद की लिस्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में बता देना है, आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में एक खास जो टारगेट इसी चीज़ के ऊपर होगा कि गेस्ट पोस्टिंग की जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो के जो वेबसाइट्स हैं वो आप लोगों को दे दूंगी। सेकेंडली आप लोग ब्लॉग आर्टिकल पे भी जाके जंप ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप लोगों को ज़्यादा वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के लिए यहाँ पर देखें कि आप लोगों ने इस वेबसाइट के फॉर एग्जांपल चले जाना है, यहाँ पर आपको गेस्ट पोस्टिंग जो है वो अलाउ होती है जो कि आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल अपना अकाउंट बनाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ यूज़र्स हैं जिन्होंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं क्लारा सॉट्रेस हैं, यानी कि इन सब ने यहाँ पर अपनी अपनी वेबसाइट के लिंक दे के यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग की हुई है। सिमिलरली आप भी यहाँ पर अपना जो है वो अकाउंट बना के अपना आर्टिकल पोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी डोमेन अथॉरिटी 91 है, पी अथॉरिटी 70 है, विच मीन्स दिस इज़ गुड, आप इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करें विद द डू फॉलो लिंक। अगर आप लोगों को इन केस ऑफ कोई भी वेबसाइट डू फॉलो लिंक प्रोवाइड नहीं करती है, फिर उनको पर्सनली ईमेल करें कि आई वॉन्ट टू बिल्ड द डू फॉलो लिंक फॉर फ्री। और इसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईमेल लिखने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ChatGPT को। ChatGPT से हम अपनी पूरी ईमेल लिखवा लेंगे और उनको बोलेंगे वहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपना काम कर लेंगे। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा एक प्रॉम्प्ट दिया था जिससे उसने मुझे एक जनरेट करके दे दी है ईमेल जिसके अंदर मैंने डू फॉलो लिंक्स के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है, और उसको बताना है कि मैं कंसिस्टेंटली आपके जो ब्लॉग को रीड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम है आपका
और आपने जो है वो मुझे रेलिवेंट टॉपिक्स अपना यहाँ पर लिख देना है कि मुझे अलाउ करें वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट अ हाई क्वालिटी वेल रिसर्च पीस ऑन दिस टॉपिक. अब यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड लिख देना है और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर जो पब्लिश करने की जो परमिशन दी जाए, डू फॉलो लिंक बनाने की परमिशन दी जाए, राइट. अब यहाँ पर ये जो ईमेल है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अब ये तो हो गया डू फॉलो लिंक फाइंड आउट करने का फर्स्ट वे. सेकेंड वे में हम लोग क्या करेंगे, जो कि ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो क्या है कि पर्सनली किसी को आउटरीच करना. अब इसका क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पे आप लगा लें कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे यूट्यूब में सुना है, देखा है, और आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट समझ में आया है, पसंद आया है. आप लोग क्या चाहते हो कि मेरी ऑडियंस जो है वो आप लोगों के भी पास चली जाए, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो उनमें पर्सनल जीमेल लिंक कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट लिखना है विद अ डू फॉलो लिंक. अगर मुझे आपकी कोलैबोरेशन पसंद आएगी और मुझे आपकी रिक्वेस्ट करने का अंदाज पसंद आएगा, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगी कि ठीक है भाई, आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दे दें, विद द डू फॉलो लिंक मैं उसको पब्लिश कर दूंगी. अब या फिर आप लोग खुद भी जाके मेरे पास पब्लिश कर सकते हैं और वो ऑडियंस जो है वो आप लोगों को इनडायरेक्टली जो है वो मिल जाएगी. तो बेसिकली मेरी वेबसाइट पे आप लोग कर रहे हैं पोस्ट, ले रहे हैं मेरी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइट. तो इसके लिए आप लोगों को कैसे ढूंढना पड़ेगा अपनी नीच के अकॉर्डिंग ऐसे ब्लॉगर्स को या ऐसी वेबसाइट्स को या ऐसे पर्सन्स को जो कि इंटरेस्टेड हों या जो कि फ्रेंडली भी हों और आप लोगों को परमिशन दे दें फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट के आप लोग प्रमोट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिसर्च. रिसर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब का यूज़ करें, फेसबुक का यूज़ करें, लिंक्डइन का यूज़ करें, वहाँ पर अपनी अपनी जाके प्रोफाइल्स बना लें. प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपने टॉपिक्स को सर्च करें और वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, यहाँ पे आपने उन यूट्यूबर्स को या उन ब्लॉगर्स को टारगेट करना है जिनकी वेबसाइट तो रैंक कर रही है लेकिन वो यूट्यूब पे नए हैं. बात समझ रहे हैं, उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है लेकिन वो यूट्यूब पर नए हैं एंड दे वांट टू प्रमोट देयर कंटेंट. तो आप भी उन्हें किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर लेट्स सपोज आपने दिखा दिया है, लिखा है यहाँ पर ब्लॉगर्स, यहाँ पर टाइटल आपने लिख दिया है. यहाँ पर आपने इस जगह पर जाके फिल्टर लगा लेना है चैनल्स के ऊपर ताकि आपको चैनल तमाम तर नज़र आ जाए. यहाँ पर एक ट्रिक है जिसको आपने थोड़ा सा यूज़ करना है, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है विद योर क्रिएटिविटी कि वो पर्सन जो न्यू है यूट्यूब पे एंड दे वॉन्ट टू ग्रो, वो क्या करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर उनके पास आ रही है तो वो उसको अवेल करेंगे टू जस्ट बिल्ड एन ऑडियंस, ठीक है, ऑन यूट्यूब. अब उनके पास जो चला चलाया ब्लॉग है, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देना है बदले में, लाइक टू बिल्ड देयर थंबनेल्स फॉर फ्री फॉर पर्टिकुलर टाइम, और या रिकॉर्ड देयर वीडियोज, या फिर उनको गाइड करें, या कुछ भी जो स्किल आप उनको दे सकते हैं फ्री में, थोड़ी सी उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी है और उनसे बदले में कहना है कि आप मुझे डू फॉलो लिंक बिल्ड करने की परमिशन दे दें ऑन योर साइट. इससे क्या होगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे और वो आपके काम को आगे भेजना चाहेंगे और वो आगे प्रमोट करेंगे. लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरी ही ऑप्शन रख लें, अगर मेरी वेबसाइट जो है वो प्रमोटेड है और मैं यूट्यूब के ऊपर अभी मेरे लाइक राउंड अबाउट 16+ K हैं सब्सक्राइबर्स, तो मुझे अगर फ्री में कोई कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपके लिए, ये कर सकती हूँ, और बदले में आप मुझे अलाउ कर दें कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर डू फॉलो लिंक जो है वो बिल्ड कर सकूँ, तो मैं आपको हैप्पीली हायर करने के लिए रेडी हो जाऊँगी. लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप लोगों ने ये चीज़ कंसिडर कर लेनी है. अब इसी तरह से आपने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को हायर देखना है, ईमेल करनी है पर्सनली. ईमेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पैटर्न आप लोगों ने उठा लेना है, सबके लिए काम करेगा. तो पर्सनली उनको आप लोगों ने टारगेट करना है. जैसे कि ये देखें, आमिर जावेद ब्लॉगर हैं, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी. इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ अभी 1032 समथिंग है, तो आप इनको देख सकते हैं बाय विजिटिंग ऑन देयर वेबसाइट फर्स्ट. उनकी वेबसाइट देखें, उनकी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि इनके पास कोई वेबसाइट है भी या नहीं, तो देखते हैं, इसको ओपन करें और इनके अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं. 5 more links हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने इसके अबाउट सेक्शन में चले जाना है. फेसबुक है, लिंक्डइन है, ब्लॉग, ये देखें यहाँ पर इसके पास न्यूज़ का एक ब्लॉग अवेलेबल है. अब आपने इसको ओपन करके देख लेना है कि ये किस कदर इसकी DAPA है, मुझे हमें मोज ही बता देगा ऊपर यहाँ पर. तो ये इनका ब्लॉग है जो कि ये रन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी DA इसकी 5 है और PA 11 है, विच इज़ एवरेज है. तो आपने इसको थोड़ा सा रिसर्च करना है, ठीक है. अब ये इनकी वेबसाइट है, इनके पास कितनी ट्रैफिक आ रही है वो आप यहाँ पर सिमिलर वेब के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से देखोगे. और अगर अच्छी है तो आपको क्या, आपने क्या देखना है कि
एक तो ये आपके नीच के रिलेटेड हो, सेकेंडली इनकी DAPA अच्छी हो, और आप उनकी वेबसाइट के ऊपर अपना डू फॉलो लिंक बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के 50K तक सब्सक्राइबर हैं और उनके पास एक अच्छी वेबसाइट है और आपने उनको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, तो आपने उनको पर्सनली फिर अप्रोच करना है, अबाउट सेक्शन में जाके उनकी ईमेल ले लें, उनका ट्विटर ले लें, या इंस्टाग्राम पर उनको पर्सनली मैसेजेस कर देने हैं। सिमिलर गोज़ फॉर लिंक्डइन, जस्ट ओपन योर लिंक्डइन और अपने यहाँ पर अकाउंट बना लें, और अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी नीश में चले जाना है और वहाँ पर इंडिविजुअली सर्च करना है। मैं आपको बताती भी हूँ सर्च करके कि कैसे करना है। सो दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर तकरीबन थोड़ी देरी कोई काम किया है और अच्छे खासे इंप्रेशन जो हैं वो बिल्ड होने शुरू हो गए हैं। बाय द वे, लिंक्डइन वेरी वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट, और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें कि आपने यहाँ पर सर्च करना है अपनी नीश के रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मेरी नीश है मशीन लर्निंग, लेट्स सपोज, और यहाँ पर टेक्निकल थोड़ी सी नीच हो गई है, तो परेशान नहीं होना, आपने अपनी नीच को रिसर्च करना है। यहाँ पर नीचे आपको नीच में, यहाँ पर आपने ऊपर ये फ़िल्टर अवेलेबल हैं, यहाँ से आपने फ़िल्टर लगा लेने हैं, लाइक पीपल आप देखना चाह रहे हो, और यहाँ पर आपने पीपल देख लिए हैं, ये आपके पास आ गए हैं, इनको ओपन करें, देखें कि इन्होंने लिंक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर ChatGPT है, किसी ने अपनी वेबसाइट लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई है, एजुकेशन लगाई हुई है, लाइसेंस सर्टिफिकेशन, नीचे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ जाते हैं, नीचे स्किल्स आपको नज़र आ जाती हैं, और कोर्सेज नज़र आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और काम करते हैं, अपनी नीच के साथ ब्लॉगिंग लिख लेते हैं या ब्लॉग लिख लेते हैं, तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा फाइंड आउट करना। जैसे मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉग गर, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको इंटर किया। अब यहाँ पे ये मैंने ऊपर लिखा और इसको इंटर किया, यहाँ पर पीपल पर चले जाते हैं, अपना फ़िल्टर लगाने के बाद पीपल पर चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पीपल देखने के लिए मिल गए हैं। अब आप इनसे क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर खालिक महमूद हैं, इनको ओपन करते हैं, और इनकी जो नीच है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और ब्लॉगर हैं ये, डिजिटल क्रिएटर भी हैं। देखते हैं कि इनकी ब्लॉग की जो वेबसाइट है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोर के बटन पर जाके आपने इनसे कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजें इनको, सेंड विदाउट अ नोट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब ये कनेक्ट की रिक्वेस्ट हमारी रिसीव कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इनको आपने पर्सनली मैसेज करना है, वो कैसे कहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर इनको ओपन कर लेना है। बाय द वे, इसको फ़ोन पे यूज़ करना बहुत आसान होता है, इनको मैसेज करना है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने अपना मैसेज टाइप कर देना है कि हे आई वांट टू बिल्ड द डू फॉलो लिंक, और डायरेक्टली नहीं बताना है, ChatGPT को यूज़ कर लें, या फिर इनके छोटे छोटे जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने उनको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है विद द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो कि है खालिक महमूद। लेकिन मेक श्योर, अगर यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, तो आपने वेबसाइट के लिंक को एनालाइज करना है पहले, कि यहाँ से हम इनको रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं या नहीं, करना बेनिफिट होगा या नहीं, या टाइम यहाँ पर लगाना चाहिए या फिर नहीं। आपने यहाँ से इन पर्सन को मैसेज करना है कि हे आई वांट टू बिल्ड द डू फॉलो लिंक ऑन योर वेबसाइट, जैसे कि मुझे आपकी जितनी भी मैंने गो थ्रू किया है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा मक्खन लगा देना है उनको, और उसके बाद आपने उनसे रिक्वेस्ट कर देनी है, और अगर आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी उनको प्रोवाइड कर देनी है। ऐसे करके आप मुख्तलिफ पर्सन को ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ पर्सन को फॉलो अप कर सकते हैं, फॉलो अप करने के बाद उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं डू फॉलो लिंक बनाने की, और ये एक चुटकी बनाने से नहीं हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो के ऊपर, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मेक श्योर करनी पड़ेंगी वाइल हैविंग द स्किल, या फिर वाइल बिल्डिंग द डू फॉलो बैक लिंक्स। तो वो चीज़ें सबसे पहले जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो है पेशेंस। इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर होगा, इसके लिए आपको रिसर्च रिक्वायर होगी, पेशेंस रिक्वायर होगी। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे आप कोई भी न्यू फ्रेंड बनाते हैं, और वो जेन्युइन फ्रेंडशिप करने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम रिक्वायर होता है। आप किसी के साथ भी एक दिन में तो फ्रेंडशिप नहीं कर लेते हो। आपको उसको बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए, या फिर उसे कंटेंट की रिक्वायर करने के लिए, या फिर उसको डू फॉलो लिंक बनवाने के लिए, आपको उसके साथ अटैच होना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और उससे बड़े मीठे प्यारे होकर काम निकलवाना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ी रिसर्च करें।
जब रिसर्च में आप महारत हासिल कर लेंगे तो विद इन अ वीक यू आर एक्सपर्ट। सेकंड नंबर में जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो है हमारे पास क्वालिटी कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपने जिस भी कंटेंट को प्रमोट करना है वो अगर अच्छा नहीं होगा, लाइक अगर कोई भी कंटेंट है वो आप मेरी वेबसाइट के अंदर लेट्स सपोज लगा रहे हैं, अगर वो मेरे यूज़र्स को पसंद नहीं आ रहा या मुझे नहीं पसंद आ रहा, वो क्वालिटी नहीं दे रहा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपने थोड़ा सा काम करना है, जो भी आप आर्टिकल अपने डू फॉलो लिंक पर लगा रहे हैं या फिर आप अगर किसी भी कस्टमर को कह रहे हैं कि आप उनके लिए सर्विस दे रहे हैं डू फॉलो लिंक बिल्ड करने की, तो उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आर्टिकल आप डू फॉलो लिंक पर लगवाना चाहते हैं वो आर्टिकल मेक श्योर सबसे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, उनकी उनका बेस्ट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर आप लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाते हैं, एआई का यूज़ कर लेते हैं या फिर एआई का इस तरह से यूज़ करते हैं कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्टिंग लगा लेते हैं, तो फिर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अप जाने की बजाय, इंक्रीज़ होने की बजाय डाउन भी हो सकती है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा डू फॉलो लिंक बनवा लिए हैं लेकिन आपके पास ऑडियंस उस लिहाज से नहीं आ रही है क्योंकि उनको आर्टिकल ही आपका पसंद नहीं आ रहा, विच मीन्स आपके जो चांसेस हैं वो डाउन जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं कॉन्टेंट वो AI रिटर्न कॉपी पेस्ट ना हो। अगर आप AI को यूज़ भी करें तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑलवेज प्रियोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। ज़्यादा लिखने की बजाय फोकस करें कि कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट, मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन भी बता दिया था कि स्पैम वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करना है, वो वेबसाइट जो कि जिसके पास अपनी ऑडियंस ही नहीं है उनके ऊपर काम नहीं करना। और ऑडियंस का कैसे पता चलेगा, आपको सिमिलर वेब से पता चल जाएगा कि कितनी ऑडियंस इस वेबसाइट के ऊपर आ रही है या रीडर आ रहे हैं। मैं हर जगह पर ऑडियंस यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, लेकिन आपके पास वो तकरीबन रीडर ही होते हैं जो कि आपके विजिटर्स होते हैं। एनी हाउ ट्रैफिक आ रही है तो आपने उसी को ही यूटिलाइज करना, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, DAP अच्छा हो, उसके ऊपर आप लोगों ने डू फॉलो लिंक बनवा लेने हैं। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स दैट यू नीड और शुड नीड टू कंसिडर, और आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बैक लिंक्स में एक्सपर्ट होने के लिए। तो ये पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया था। अगर आप लोगों को कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, डोंट हेजिटेट, डोंट फील शाय टू सेंड अ मैसेज। उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, जिस भी ज़ुबान में आता है वो करें, गूगल ट्रांसलेटर है ना उसकी हेल्प करने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ, आपकी हेल्प करूँ और स्किल सीखें, स्किल के ऊपर काम करें। स्पेशली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि स्किल के ऊपर काम करें, यही आप लोगों को बेनिफिट देगा। और अगर आप लोगों के पास अच्छे से स्किल आ जाती है तो बिलीव मी, पैसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है और ना आपको बनाने से कोई रोक सकता है। हम लोग स्किल की तरफ फोकस नहीं करते हैं और ज़्यादातर डाइवर्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि 2-3 घंटे में हो जाएं और हमें मालदार कर दें, ऐसा कुछ नहीं सीन होने वाला। आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।